आप लोगों के क्या इवेंट हुआ था? सबसे पहले निकाह हुआ था। निकाह की ही रात में कवाली नाइट हुई थी। अच्छा, निकाह दोपहर में हुआ था? नहीं, दोपहर में आ गए थे, बट हाँ। आते आते सबको फिर रात ही ऑलमोस्ट हाँ। हो गई थी। निकाह रात में हुआ था, ये निकाह किया। और निकाह पे तुमने पिंक पहना था? मैंने ऐलान का पिंक ड्रेस पहना था। अच्छा, और फिर मेहंदी हुई थी, मेहंदी के बाद बारात, और फिर वलीमा इस्लामाबाद में हुआ। वलीमा इस्लामाबाद में हुआ था। तो बारात में क्या पहना था तुमने? बारात में मैंने पहना था फरा एंड फातिमा का गोल्डन ड्रेस। मैंने रेड नहीं पहना था। अच्छा, मैंने गोल्डन, उसमें थोड़ा पिंक और थोड़ा ग्रीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो पहना था। कुछ हमजा ने कुछ मशवरे दिए थे? नहीं, ये कर रहा था तो अम्मा से। हाँ, मैं और मम्मा ने, हमने सारा कि ये पहन लूँ या ये कर लूँ या ये कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शादी पे। हाँ, सारे दिन मम्मा के साथ। मेहंदी भी तो हुई थी तुम्हारी? मेहंदी में मैं आई थी। हाँ, हाँ, बहुत डांसेस हुए। हाँ, मेहंदी वाज द बेस्ट इवेंट है ना। कितना मजा आया था, सबसे मजे का था। और ये लोग बड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे, खुद दूल्हा दूल्हा दुल्हन बैठ के सबका डांस देख रहे थे, है ना। और सब हटो, सामने से हटो, हमें देखना है। क्योंकि मैंने इन लोगों को देखा था ना घर पे प्रैक्टिस करते हुए। हाँ। रोज इसके फ्रेंड्स आ जाते थे, कोई नाइट करके आ रहा है, कोई किसी का ऑफ है। हाँ, कोई हाउस जॉब के आ रहा है, तो वो बस हम इसी तरीके से थके हारे आए और फिर आके सीधा डांस शुरू हो गया। हाँ। है घर पे, कोई 3 महीने से पहले हमने शुरू कर लिए प्रैक्टिस। अच्छा। हाँ। तो मेहंदी के बाद मेहंदी तुमने क्या पहना था? मेहंदी भी मैंने फाइजो से क्लैन का येलो पहना था। अच्छा। लॉन्ग शर्ट और साथ करारा टाइप ही था। अच्छा, और फिर बारात, फिर वलीमा, फिर बारात। फिर तो बारात में तुमने क्या बताया? बारात में मैंने फरा एंड फातिमा का पहना था गाउन, उसके नीचे लहंगा था और लहंगा और गाउन। लेकिन शादी के उसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो था ना फरा एंड फातिमा का था। अच्छा, एक वाहिद ड्रेस था जो मैंने मेजरमेंट, कोई परेशानी नहीं, वरना दो दो तीन तीन चक्कर हमारे लाहौर के लगे हैं सारे मेजरमेंट्स दे के ट्रायल में। बिल्कुल, और वो इतना एक्यूरेट था कि जब मैं अपनी मेजरमेंट देने के लिए गई थी तो आई टोल्ड हर कि मैं वजन कम कर रही हूँ, तो इतना टाइम है तो अप्रॉक्सीमेट लगा ले, मेरा वजन कम होगा। एंड व्हेन आई वेंट टू ट्राई तो वो एग्जैक्ट वही सेम, कोई ऑल्टरेशन किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्ट टाइम पे इट वाज रेडी और डिलीवरी वगैरह हर चीज। हालांकि मैंने वो पुशेट पाउच एक ऐड पोटली जो होती है वो एंड पे ऐड कराई थी, फिर भी वो सब रेडी। वलीमे में क्या पहना था? वलीमे में मैंने लहंगा चोली पहना, लहंगा चोली। अब दुलास से भी पूछ लो, बेचारे दुला कह रहे होंगे क्या। हाँ जी, क्यों आप लोग हैं कॉन्शियस थोड़े कपड़े वपड़ों को लेके? होता है ना कि शादी पे, जैसे सनान ने कहा कि मैंने वो नहीं कुला नहीं पहनना। नहीं, इसने तो पहना था कुला। हाँ। वो कुला इस बारात पे इसने फायदे से क्लैन का पहना था, पूरी शेरवानी वगैरह। अच्छा। बाकी सब निकाह का भी खुद बनवाया था, मेहंदी हाँ। का भी सिलवाया था, और सूट भी वलीमे का सिलवा स्टिच ही करवाया था। स्टिच करवाया था बिल्कुल कस्टम। हाँ, सो वो आपको, आपकी जो बीवी है वो ज्यादा किस उसमें अटायर में अच्छी लगी? निकाह में। हाँ, इमोशनल भी, आई थिंक इट्स मोर ऑफ द इमोशनल एस्पेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा था। और आप अपने आप, मतलब होता है ना कि अम्मा को तो होश ही नहीं होता, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छी लग रही थी हर इवेंट पे। हाँ। तो आपको सबसे अच्छी, आप हाँ, बहुत मुश्किल टाइम था वो। ये तो नहीं कह रही थी आनिया के इस तरह तैयार हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसने मुझे ये कहा था कि मुझे हर इवेंट पे आपने तैयार करना। अच्छा, एंड नॉट जस्ट मी, मुझे सारी बहनों को, मेरी दोस्तों को, सब खुद को, सबको इन्होंने तैयार। सुबह से बैठ गई, हर कोई बोलता था मेरा मेकअप ये करेंगी, मेरा मेकअप ये करेंगी, मेरा मेकअप ये करेंगी। ओह, आजकल तो दुलाओं का भी हल्का फुल्का मेकअप होता है। हाँ, मम्मा ने इसका हॉल में किया था मेकअप। अच्छा, हुआ पता क्या, मैंने ना इसे इशारा किया, मैंने इसे पाउडर दिखाया, मैंने कहा इधर आ जाओ। इसने क्या किया, सारे फोटोग्राफर्स को पीछे ले आई। मैं बोला उसकी वीडियो बनाए, मेकअप हो रहा है पीछे उसका। फिर बनाई तुमने? ओह माय गॉड, मुझे मुझे चाहिए, मुझे दिखाओ, सबको दिखा दे। दिस इज सुपर क्यूट।